एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम प्रेजेंस बोर्ड रिजल्ट्स इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लैंगिक जनन के यौन संचरित रोगों के बचाव के बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न आता है आपका, हम यौन संचरित रोगों के संक्रमण को किस प्रकार रोक सकते हैं। तो यौन संचरित रोगों से बचाव के लिए सबसे मुख्य और पहला है कि संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन क्रिया न करें। दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने कि यौन या लैंगिक क्रिया के समय कंडोम का प्रयोग किया जाए, ये मुख्य है, इसको आपने ध्यान रखना है। तीसरा, लैंगिक अंगों को साफ तथा स्वच्छ रखें, जिससे कि जीवाणु वगैरह आक्रमण न कर सके। चौथा है, रक्त आदान प्रदान के समय रक्त की जांच करवाएं, संक्रमण मुक्त रक्त को ही दिया जाए, ये मुख्य है। अगर क्योंकि रक्त के द्वारा ही सीधे संपर्क होता है, अगर रक्त में कोई संक्रमित हमारा रक्त अगर हमारा संक्रमित है किसी रोगाणु से, तो वह आसानी से शरीर पर आक्रमण कर सकता है। और फिर लास्ट पॉइंट है इसका, फिफ्थ पॉइंट है, दूषित इंजेक्शन या सुई का प्रयोग ना करें। तो आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इस प्रकार से आप ये पांच पॉइंट याद करेंगे और आपका 2 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इससे नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है। इसे आपने क्वेश्चन को, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपको पता भी है कि लैंगिक जनन में दो व्यक्ति जो है वह भाग लेते हैं, तो विभिन्नताएं और विभिन्न गुणों गुण जो है हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं, और दूसरा विभिन्नताओं के कारण नई स्पीशीज बनती है, ये इसका मुख्य गुण है कि इसमें नई स्पीशीज बनती है, जिसको आपने अंडरलाइन करना है कि विभिन्नताओं के कारण नई स्पीशीज बनती है, और ये अगर विभिन्नताओं से नई स्पीशीज बनती है तो हमारा विकास होता है, और ये विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये दो पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं कि नई स्पीशीज की उत्पत्ति विकास के लिए आवश्यक है, और विभिन्नताएं और विभिन्न गुण, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ब्लू कलर से। और तीसरा, लैंगिक जनन जो है वो अलैंगिक जनन पर विकास या उन्नति को बढ़ावा देता है। इस प्रकार ये प्रश्न आपका पूरा होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है और अधिकतर आता है ये क्वेश्चन आपका, और बहुत ही आसान है। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लैंगिक जनन में दो लोग जो है भाग लेते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो उससे विभिन्नताएं आती है, विभिन्नताएं आती हैं तो नई स्पीशीज का निर्माण होता है, नई स्पीशीज से विकास होता है, और विकास किसका है, ये लैंगिक जनन अलैंगिक जनन पर विकास और उन्नति को बढ़ावा देता है। इस तरह से आप 3 पॉइंट आसानी से याद कर सकते हैं। थैंक यू।